बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं कामी मलिक और आप लोग देख रहे हैं HTV पाकिस्तान। नई वीडियो में खुश आमदीद। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक खबर गर्दिश कर रही है कि बॉलीवुड के टॉप स्टार संजय दत्त इंतकाल कर गए हैं, लेकिन अभी इस खबर को छुपाया जा रहा है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से बॉलीवुड बाबा संजय दत्त के हवाले से गुज़श्ता हफ्ते की खबरें हैं कि उन्हें तीसरे या चौथे दर्जे का कैंसर लाग हो गया है। ताहम तहाल उन्होंने इस हवाले से कोई वजाहत पेश नहीं की। इस वक्त वो अस्पताल में मौजूद हैं या वाकया वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे। लेकिन वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मोहसमिन, संजय दत्त में कैंसर के हवाले से भारतीय मीडिया ने इब्तदाई तौर पर 11 अगस्त को खबर शाया की थी कि जिनमें कुछ रिपोर्ट्स में अदाकार को तीसरे जबकि कुछ में इन्हें चौथे दर्जे का कैंसर लाग होने के बारे में बताया गया था। संजय दत्त में कैंसर की तशखीस की खबरें इस वक्त सामने आई थी जब वो एक रोज कबल ही सांस में तकलीफ के बायस 2 दिन के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ वाजह करते चलें कि बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त का इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में जेर इलाज हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाली इन खबरों में किसी किस्म की कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। उनको तीसरे और चौथे दर्जे का कैंसर लाग गया, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल जिंदा हैं और सही सलामत हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल की गई है कि बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त इंतकाल कर चुके हैं। वही समीन उम्मीद करते हैं कि जो पॉइंट हमने इस वीडियो में आपको बताया होगा उसमें तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। संजय दत्त को तीसरे और चौथे दर्जे का कैंसर जरूर लाग गया, लेकिन अभी तक उनके मरने या इस दुनिया फानी को छोड़कर जाने की किसी किस्म की कोई खबर में जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। वही समीन, इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।